साइबर सिटी गुरुग्राम में बनने वाले नागरिक अस्पताल का निर्माण कार्य इस महीने के आखिर तक शुरू हो जाएगा। अस्पताल के निर्माण के लिए हरियाणा सरकार ने 243 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। गुरुग्राम के मुख्य चिकित्सा अधिकारी की माने तो नक्शा पास होने के बाद एक अनुमानित खर्च का खाका तैयार किया गया है, जिसको मंजूरी के लिए लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर इन चीफ को भेजा गया है। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों की स्वीकृति के बाद इस माह के आखिर तक अस्पताल की नई इमारत का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। बिल्कुल, ये हमारी जो इसकी चीफ आर्किटेक्ट से ड्राइंग पास हो गई है। जो पुराना हॉस्पिटल था, इसमें नया हॉस्पिटल बनेगा जो 500 बेड का हॉस्पिटल होगा, और ये मल्टी स्टोरी है। 3 नीचे बेसमेंट बनेगी और 5 मंजिला ऊपर बनेगा। टोटल 8 स्टोरी बिल्डिंग होगा। इसका नक्शा पूरे अच्छे ढंग से पास हो गया है, जिसमें हमने एजुकेशन की बिल्डिंग और साथ में ये हमारी जो बिल्डिंग मिला करके 9 एकड़ ज़मीन बनती है, उस पर ये बनेगा। तो इसके लिए सेकेंड हमने इसका जो रफ कॉस्ट एस्टिमेट है B&R के थ्रू इंजीनियर इन चीफ को भिजवा दिया है, जो 243 करोड़ रुपए की लागत से ये बनेगा। तो वो अब इंजीनियर इन चीफ के पास गया है, फिर वो हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट में जाएगा, तो उसके बाद उसकी अप्रूवल हो जाएगी, फाइनेंशियल अप्रूवल, उसके बाद फिर टेंडर फ्लोट हो जाएगा। डेफिनेटली सारी जितनी भी हमारी जो स्पेशलिस्ट सर्विसेज हैं, जो अच्छे ढंग से सेकेंडरी लेवल की जो सर्विसेज हैं और इवन कुछ टर्सरी लेवल की, वो सारी यहाँ पे अवेलेबल होगी। सारी सुविधाएं स्पेशलिस्ट सर्विसेज यहाँ पे मुहैया कराई जाएगी। जो 500 बेडेड हॉस्पिटल बहुत बड़ा हॉस्पिटल हो जाता है, तो हमारे गुरुग्राम की जनता के लिए और आसपास की जनता के लिए ये बहुत अच्छे ढंग से एक वरदान साबित होगा। हाँ, इसमें देखिए, क्योंकि अब भी टूट गया था तो वहाँ हमने शिफ्ट किया, कुछ पॉली क्लिनिक में शिफ्ट किया। अब सरकार से 100 बेडेड था सेक्टर 10 का, वो 200 बेडेड के लिए सेंक्शन होकर के आ गए हैं। डेफिनेटली वहाँ 200 बेड बढ़ जाएंगे, तो पैरेलल वो एक अलग से हमारे अच्छी सुविधा हो जाएगी इंडोर पेशेंट्स के लिए, पूरे गुरुग्राम जनता के लिए। गुरुग्राम के सिविल लाइन में 9 एकड़ जमीन में बनने वाली ये इमारत 8 मंजिला होगी, जिसमें 3 मंजिल अंडरग्राउंड और 5 मंजिल ऊपर बनाई जाएंगी। 8 मंजिला इस इमारत में OPD, डायलिसिस की व्यवस्था, स्ट्रोक यूनिट और ट्रॉमा सेंटर जैसी सभी आधुनिक सुविधाएं मौजूद होंगी, जिससे इलाज के अभाव में दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल और एम्स अस्पताल पर निर्भर रहने वाले मरीजों का इलाज गुरुग्राम में ही हो सकेगा। जैसे अभी हमारे पास गुरुग्राम जनता के लिए जो सिविल हॉस्पिटल है, उसमें हम डायलिसिस की व्यवस्था करवा देती है, कार्डिक कैथ लैब वहाँ पे चल रहा है। इसके अलावा जो स्पेशल जो यहाँ पे MRI CT है, वो नए हॉस्पिटल में हो गए। जैसे बर्न यूनिट नहीं है, बर्न यूनिट यहाँ पे होगा। स्पेशल स्ट्रोक यूनिट, जो कार्डिक के लिए जिसको अधरंग हो जाता है, उसकी यूनिट यहाँ पर होगी। और डेफिनेटली ट्रॉमा सेंटर की व्यवस्था भी यहाँ पर होगी। जो सारे कंप्लीट एक पैकेज होगा यहाँ पे पूरा, जो पूरे जो भी सर्विसेज हमारी स्पेशलिस्ट सर्विसेज हैं, वो सारी यहाँ मुहैया होगी। इस तरह की सुविधाएं यहाँ पे नहीं थी पहले, तो ये बनेगा तो डेफिनेटली हमारी जो 27 से 30 लाख की आबादी गुरुग्राम की है, और जो एडज्वाइनिंग एरिया है, जो रिवाड़ी का एरिया है और इस तरह मेवात का एरिया है, तो उनके जो हमारे एडज्वाइनिंग है, उन सभी जो लोगों को ये बहुत अच्छी सुविधा मिलेगी उनको। और जो 500 बेड जो बनेगा, तो इसमें सारे स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट की व्यवस्था भी कराई जाएगी। मेरा ये मानना है कि जैसे अब रफ कॉस्ट एस्टिमेट बन के गया हुआ है, तो वहाँ फिर हेल्थ डिपार्टमेंट में जाएगा, उसके बाद उसकी फाइनेंशियल अप्रूवल आ जाएगी। उसके बाद मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दी इन फरवरी मंथ में हम उम्मीद कर सकते हैं कि इसका टेंडर फ्लोट हो जाए और ये बनना शुरू हो जाए, फिर इसका उद्घाटन विधि रूप से कराया जाए। दरअसल गुरुग्राम के सिविल लाइन स्थित नागरिक अस्पताल की इस इमारत का निर्माण साल 1975 में किया गया था। हालांकि साल 2008 में इस बिल्डिंग का रेनोवेशन भी किया गया, लेकिन बार बार अस्पताल की सीलिंग गिरने की शिकायतों के बाद इस इमारत को जर्जर घोषित कर दिया गया था और अस्पताल को सेक्टर 10 स्थित नागरिक अस्पताल की दूसरी बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया गया। ऐसे में अब इस नए भवन से न केवल शहर को एक भव्य अस्पताल मिलेगा, बल्कि सभी सुविधाओं से परिपूर्ण एक मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल भी मिलेगा। पिछले कई सालों से एक सरकारी हॉस्पिटल के लिए तरस रहे गुरुग्राम वासियों की यह ख्वाहिश जल्द ही पूरी होने वाली है। गुरुग्राम में हरियाणा का सबसे बड़ा मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बनाया जाएगा, ताकि गुरुग्राम वासियों को दिल्ली के एम्स जैसे हॉस्पिटलों पर निर्भर ना रहना पड़े। कैमरा पर्सन मोनू के साथ परी गुजर, गुरुग्राम न्यूज़।